हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्म बस्टर में। और गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे हॉलीवुड के हॉरर मूवीज की वो कैटेगरी जिसमें आपको हॉरर के साथ साइंस फिक्शन का भी तड़का देखने को मिलेगा। और साइफाई जॉनर की वजह से ये मूवीज रियलिस्टिक बन जाती है, यानी कि हम ऐसा तो सोच सकते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन साइफाई जॉनर की वजह से ये मूवीज हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा भी हकीकत में हो सकता है क्या। अगर आप हॉरर मूवीज में अलग कैटेगरी ढूंढ रहे हैं, जैसे कि हॉरर स्लैशर, हॉरर थ्रिलर, हॉरर कॉमेडी या फिर हॉरर एक्शन, तो उन कैटेगरीज पर भी मैंने अलग से वीडियोस बना दी है जिसकी लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप हॉरर साइफाई मूवीज ढूंढ रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुनी है। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं मूवीज की डरावनी दुनिया में। नंबर 10 पे है दो मूवीज। 2000 में रिलीज हुई मूवी हॉलो मैन और 2006 में रिलीज हुआ उसका अगला पार्ट हॉलो मैन 2। मैं आपको फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। मूवी के अंदर दिखाया गया है कुछ साइंटिस्ट मिलकर एक सीरम बनाते हैं जो जीवित चीज़ों को गायब कर सकता है। वो पहले जानवरों पर आजमा कर देखते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं क्यों ना फिर किसी इंसान पर आजमाया जाए। उन साइंटिस्ट का लीडर डॉक्टर सेबेस्टियन केन टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए वॉलंटियर करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद वो गायब तो हो जाता है लेकिन वो वापस अपने रूप में नहीं आ रहा होता। पहले तो सेबेस्टियन बहुत बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन फिर वो कुछ अच्छी और बुरी शरारतें करने के बारे में सोचता है। आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और आपके भी मन में कभी ना कभी तो ये ख्याल आया ही होगा कि अगर आप गायब होते तो आप क्या क्या नटखट शरारतें करते। और अगर ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था तो मूवी देखने के बाद ज़रूर आ जाएगा। मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 9 पे है 2016 में रिलीज हुई मूवी मॉर्गन। मूवी के अंदर दिखाया गया है कुछ साइंटिस्ट मिलकर एक ह्यूमन हाइब्रिड बनाते हैं और उसे नाम देते हैं मॉर्गन। मॉर्गन बहुत शातिर होती है और उम्र में भी तेजी से बढ़ रही होती है। जब तक उन साइंटिस्ट को पता चले कि मॉर्गन की एक बुरी बाजू भी है, तब तक बहुत देर हो जाती है। और तब तक मॉर्गन कुछ साइंटिस्ट को मारकर रिसर्च फैसिलिटी से भाग जाती है। आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। This house are in danger. Hey. It needs to be terminated. 7 6 Don't be afraid. 5 नंबर 8 पे है 2009 में रिलीज हुई एक खतरनाक हॉरर साइफाई मूवी पैंडोरम। मूवी के अंदर दिखाया गया है कि दो एस्ट्रोनॉट्स एक स्पेसक्राफ्ट में जागते हैं। जब वो जागते हैं तो पूरा का पूरा अंधेरा होता है और उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा होता, जैसे कि वो कौन है, उनका मिशन क्या है, एक्सेट्रा। वो दोनों एक दूसरे से रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से बातें करते करते उनके स्पेसक्राफ्ट में छानबीन करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों उस स्पेसक्राफ्ट में अकेले नहीं है और एक एलियन क्रीचर उनके स्पेसक्राफ्ट में आ चुका है। आगे मूवी में जो थ्रिलिंग चीज़ें होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर आपको रियान रेनॉल्ड्स की लाइफ मूवी और एलियन कॉवेनेंट जैसी मूवीज पसंद है तो आपको ये मूवी भी ज़रूर पसंद आएगी। मूवी को 6.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 7 पे है स्पीशीज की मूवी सीरीज, जिसमें टोटल 4 पार्ट्स है जो आए थे 1995, 1998, 2004 और 2007 में। इस मूवी सीरीज के पहले 3 पार्ट्स अच्छे हैं और सारे पार्ट्स में आपको 18 प्लस सीन्स भर भर के देखने को मिलेंगे। मैं आपको फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट पार्ट आया था 1995 में। मूवी के अंदर दिखाया गया है कुछ साइंटिस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि ब्रह्मांड में और भी किसी जीवित चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं। तब उन्हें एक ट्रांसमिशन आता है जो उन्हें एक एलियन डीएनए के बारे में बताता है जो ह्यूमन डीएनए के साथ जोड़ा जा सकता है। वो साइंटिस्ट ये करने में कामयाब हो जाते हैं और जो आधी इंसान आधी एलियन बनी होती है उसे नाम देते हैं सिल। लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से वो प्रोजेक्ट बंद करके सिल को मार देने का तय किया जाता है। लेकिन सिल रिसर्च फैसिलिटी से भाग जाती है और वो अपने जैसे और एलियंस बनाने के लिए कई आदमियों के साथ घपाघप करने की कोशिश करती है। अब आगे क्या होगा और मूवी के बढ़िया 18 प्लस सीन्स आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Something's wrong. Oh! She's here! Get out! Open the damn door!
आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नंबर 6 पे है रिडिक मूवी सीरीज का पहला पार्ट पिच ब्लैक, जो आया था साल 2000 में। रिडिक मूवी सीरीज में टोटल 3 पार्ट्स है, पिच ब्लैक, द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक जो कि 2004 में आया था, और रिडिक जो कि 2013 में आया था। तीनों पार्ट्स आप ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन सिर्फ पहला पार्ट हॉरर साइफाई कैटेगरी में आता है, बाकी दोनों पार्ट्स एक्शन एडवेंचर साइफाई कैटेगरी में आते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। मूवी के अंदर दिखाया गया है एक स्पेसशिप में से कई लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो एक इंसिडेंट की वजह से उनकी स्पेसशिप एक प्लैनेट पर आ जाती है और वो लोग उस प्लैनेट पर अटक जाते हैं। जल्दी उन्हें पता चलता है कि उस प्लैनेट पर बहुत सारे खून के प्यासे क्रीचर्स हैं जो सिर्फ रात को आते हैं और हर जीवित चीज़ को मार देते हैं। वो लोग रात को छुपने का और दिन में हल ढूंढने का तय कर लेते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी पता चलता है कि इक्लिप्स यानी कि ग्रहण होने वाला है और पूरे एक महीने के लिए सिर्फ अंधेरा रहने वाला है। अब आगे क्या होगा और रिडिक कौन होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 7.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Are you gonna stop the monsters now? I am the monster. Get Riddick. नंबर 5 पे है 2008 में रिलीज हुई मूवी क्वारंटाइन, और 2011 में रिलीज हुआ उसका अगला पार्ट क्वारंटाइन 2 टर्मिनल। मैं आपको फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। 2008 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी क्वारंटाइन। मूवी आई थी 2008 में, लेकिन हमें उसका मतलब 2020 में पता चला। मूवी में दिखाया गया है एंजेला नाम की एक टेलीविजन रिपोर्टर और उसके कैमरामैन को लॉस एंजल्स में नाइट शिफ्ट दी जाती है। एक पुलिस को आया हुआ कॉल उन्हें एक बिल्डिंग में लेके जाता है। वो बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स ऑलरेडी वहाँ आ चुके थे और खून से लथपथ है। उन्हें उस बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में से कुछ चीखें सुनाई देती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग की एक औरत को किसी अननोन वायरस ने इन्फेक्ट किया है। जब बिल्डिंग के बाकी लोगों पर अटैक होने लगते हैं तो वो बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि CDC ने उस बिल्डिंग को ऑलरेडी क्वारंटाइन किया है और बाहरी दुनिया से सारा कम्युनिकेशन तोड़ दिया है। आगे क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 5.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 4 पे है 2017 में रिलीज हुई मूवी लाइफ। मूवी के अंदर दिखाया गया है 6 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में मिशन पर गए होते हैं। वो मार्स यानी कि मंगल ग्रह से एक सैंपल कलेक्ट करते हैं। वो जब उस सैंपल पर रिसर्च करने लगते हैं तब उनके हाथ एक ऐसी खोज लगती है जो मार्स पर जीवित चीज़ होने की संभावना बता सकती है। वो एस्ट्रोनॉट्स बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। उन्हें जो जीवित चीज़ मिली होती है वो बहुत ही होशियार और शातिर होती है। आगे मूवी में जो थ्रिलिंग चीज़ें होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 6.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 3 पे है 2019 में रिलीज हुई मूवी ब्राइटबर्न। मूवी के अंदर दिखाया गया है टोरी और काइल नाम के पति पत्नी को एक स्पेसशिप में एक बच्चा मिलता है। वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और उसे नाम देते हैं ब्रैंडन। लेकिन जैसे जैसे ब्रैंडन बड़ा हो जाता है उन्हें पता चलता है कि ब्रैंडन के पास कुछ सुपर पावर्स है। अब हर कोई सुपर पावर्स का अच्छा ही इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं होता। तो ब्रैंडन उन सुपर पावर्स के साथ क्या करता है और आगे मूवी में जो सिनिस्टर चीज़ें होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 6.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 2 पर है 2018 में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया मूवी बर्ड बॉक्स। मूवी के अंदर दिखाया गया है एक रहस्यमय शक्ति धरती पर आती है और जो भी इंसान उसे देखता है वो खुद को मार देता है। करोड़ों लोग मारे जाते हैं और कुछ ही सर्वाइवर्स बचते हैं। उन सर्वाइवर्स को आंखें बंद करके या फिर आंख पे पट्टी बांध कर जीना पड़ रहा होता है, वरना उन्हें उनके सबसे बुरे डरों का सामना करना पड़ेगा। इस सबके बीच एक औरत और उसके 2 बच्चों को एक जगह पर जाना होता है जहाँ उनके सर्वाइव करने के कुछ चांसेस हो सकते हैं। अब आंखों पर पट्टी बांधकर वो कहीं जा भी पाएगा या नहीं और मूवी की थ्रिलिंग चीज़ें आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 6.6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 1 पे आती है एलियंस की सीरीज,
जिसके अभी तक टोटल 6 पार्ट्स आ चुके हैं और 2 क्रॉसओवर्स भी आ चुके हैं। और अगर आपको सही टाइमलाइन जाननी है तो पहले आती है 2012 में रिलीज़ हुई मूवी प्रोमीथियस, फिर आती है 2017 में रिलीज़ हुई मूवी एलियन कोवेनेंट, फिर 1979 में रिलीज़ हुई मूवी एलियन, फिर 1986 में रिलीज़ हुई मूवी एलियंस, फिर 1992 में रिलीज़ हुई मूवी एलियंस 3 और लास्ट में एलियंस रिसरेक्शन। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जिस साल मूवीज़ रिलीज़ हुए थे उसी हिसाब से देखें, टाइमलाइन इतनी मैटर नहीं करती। एलियन रिसरेक्शन को छोड़कर सारे पार्ट्स बढ़िया है और लेटेस्ट वाले दोनों पार्ट्स की तारीफ मैंने कई वीडियोज़ में की है। मैं आपको टाइमलाइन के हिसाब से जो फर्स्ट मूवी आती है उसकी थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। 2012 में रिलीज हुई एक साइफाई हॉरर मूवी और वन ऑफ द बेस्ट एलियन साइफाई मूवी प्रोमीथियस। मूवी में दिखाया गया है कि इंसानों के ओरिजिन के बारे में एक क्ल्यू मिलती है तो कुछ एक्सप्लोरर्स को यूनिवर्स के डार्केस्ट कॉर्नर्स में भेजा जाता है। वो स्पेस से जब जा रहे होते हैं तब उन्हें एक प्लैनेट मिलता है जहाँ पर उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल सकता है। लेकिन जब वो उस प्लैनेट पर पहुँचते हैं तब उन्हें कुछ और ही खतरनाक चीज़ मिल जाती है। ये खतरनाक चीज़ क्या होती है और मूवी का थ्रिल आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का एक और पार्ट भी है जिसका नाम है एलियन कोवेनेंट, जिसमें इस मूवी के आगे की स्टोरी दिखाई गई है और वो मूवी भी बहुत मस्त है। इस मूवी को 7/10 की IMDb रेटिंग मिली है। Oh, the head. They're changing. Changing into what? Moving. तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली वीडियो तक सी या।